परम पूज्यवर साहिब जी, अर्चनी वन्नी संसमाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, आज से 1.5 वर्ष पूर्व इसी जगह पर सद्भावना सत्संग समिति की ओर से कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में पूरे गांव के लोग, बाहर के लोग, सभी ने काफी सहयोग किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बसरते समय दूसरा रहा, ठंडी का समय था, गर्मी इतनी नहीं, इसलिए उस जगह छोटी पड़ रही थी। ये गर्मी के समय सद्गुरु कबीर को लेकर के कबीर विचार गोष्ठी के नाम से यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। काफी मेहनत और मशक्कत आयोजकों ने किया है। महीनों से लगे थे प्रचार प्रसार में, उनके अंदर एक जोश है, एक ऊर्जा है कि हम कुछ करें, कुछ आयोजन करें, कुछ समाज के लिए कुछ नई सीख मिले। आप सब ने सहयोग किया, आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद है। आयोजकों ने यह सत्संग ही चुना, इसलिए उन लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद है, क्योंकि आयोजक तो बहुत होते हैं। हो सकता है नाच गाना, पार्टी, ऑर्केस्ट्रा कुछ भी कर सकते थे, भागवत कर सकते थे, महापुराण कथा कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने कबीर को चुना है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो सद्गुरु कबीर के विचारों को जनमानस तक फैलाने के लिए एक मन में प्रेरणा जगी और उस प्रेरणा को समाज में बिखेरने के लिए एक प्रयास उनका सफल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारतवर्ष में अकेला सद्गुरु कबीर एक ऐसा महापुरुष है जिसके बारे में कोई नुक्ता चीनी नहीं करते हैं। सद्गुरु कबीर के बारे में कोई नुक्ता चीनी नहीं करते हैं। कबीर पंथी के बारे में नुक्ता चीनी हो सकता है, लेकिन सद्गुरु कबीर के बारे में कोई नुक्ता चीनी नहीं हो सकता। कबीर पंथी के बारे में नुक्ता चीनी क्यों होता है? क्योंकि टाइटल लगा लेते हैं हम सब, लेकिन जीवन वैसे नहीं होता है। हम कबीर पंथी है, टाइटल है, हम श्री राम के भक्त हैं, टाइटल है, कृष्ण के भक्त हैं, टाइटल है, राधा स्वामी वाले हैं, टाइटल है, गायत्री वाले हैं, टाइटल है, जीवन कैसा है? जीवन तो खोखा, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कर्मकांड चल रहा है, पाखंड चल रहा है, अंडा मांस मछली शराब गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब कुछ चल रहा है, गाली गलौज निंदा चुगली ये सारे कुछ चल रहे हैं, ये टाइटल काम आने वाले नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा आपको, कबीर के बारे में कोई ने आज तक कोई उंगली नहीं उठाई कि ऐसे हैं ऐसे हैं, क्योंकि सद्गुरु कबीर ने कोई बंधन नहीं बांधा किसी को, क्योंकि सद्गुरु कबीर ने कोई मत और पंथ नहीं चलाया, कोई संप्रदाय नहीं चलाया। सद्गुरु कबीर साहेब, कबीर पंथ सद्गुरु कबीर साहेब के जाने के बाद चालू हुआ है। सद्गुरु कबीर साहेब का कबीर पंथ नहीं है, कबीर पंथ सद्गुरु कबीर साहेब के जाने के बाद में कबीर पंथियों ने एकजुट होकर के कबीर पंथ चलाया, ताकि इससे हम लोगों को सुविधाएं हो सके, हम कबीर पंथी एक जगह बैठ कर के चर्चा कर सके, ज्ञान चर्चा कर सके, कुछ सद्गुरु कबीर के विचारों को जनमानस तक फैला सके। इस उद्देश्य से कबीर पंथियों ने एक पंथ चलाया सद्गुरु कबीर के नाम से, कबीर पंथ। इस सद्गुरु कबीर का पंथ नहीं है। सद्गुरु कबीर अपने आप में स्वतंत्र चेतना, उनके अंदर इतनी ज्ञान और इतना ऊर्जा था कि लोग जो भी सुनते उनके हो जाते थे।
जिस समय सदगुरु कबीर साहब हुए उस समय घोर अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, आडंबर, ये सारे चीज चलता रहा, लेकिन मैं कहूँगा आज भी उससे कम नहीं है, आज भी उससे कम नहीं है आज, क्योंकि कबीर साहब नहीं है हमारे सामने जो सत्य को सत्य की तरह कह सके। यदि ब्राह्मणों की बस्ती में कोई ब्राह्मणों के बारे में जाकर के उल्टी सीधी बात करे तो उनके गले से धड़ से उतर जाती थी, ये स्थिति थी जिस समय सदगुरु कबीर साहब थे। ब्राह्मणों के बारे में कोई नुक्ता चुनी नहीं कर सकता था, ब्राह्मणों के बारे में कोई उंगली उठा नहीं सकता था और कोई कुछ बोल नहीं सकती थी, वो समय था सदगुरु कबीर साहब के समय। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने किसी को नहीं छोड़ा। जब ब्राह्मणों की स्थिति देखी सदगुरु कबीर साहब ने, उन लोगों का कर्मकांड और पाखंड देखा, तो उन्होंने कहा पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, वो तो जन्म की सुद्रीन पर से ए पाणे तुम क्यों खाया। इतना कटु शब्द कहना, इतना तीखे और प्रहार करना, इसका अर्थ बता दूं आपको। ब्राह्मणों की बस्ती मतलब समझते हैं सिर्फ ब्राह्मणों का वर्चस्व, जो ब्राह्मण कहते वही होता था, ब्राह्मण के अलावा किसी का नहीं चलता था। आज तो पूरे भारत में स्वतंत्र है, हर आदमी जिसको मानना चाहे माने, जिसको ना मानना चाहे मत माने, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व चलता था, ब्राह्मण जो कहते थे वही चलता था। ब्राह्मण कुछ भी करे लेकिन उसकी पूजा करो, ब्राह्मण पूज्य प्रियशील गुणहीना एक पुस्तक है, ब्राह्मण चरित्र से जैसा भी हो लेकिन पूज्य है, प्रिय है, उसका चरित्र नहीं देखा जाता, इतना सारा है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर साहब जिस समय हुए उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उस ब्राह्मणों के नगरी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना। ब्राह्मण का पहचान क्या है? जनेऊ पहन करके ब्राह्मण मानते हैं। पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना, यह ब्राह्मण का पहचान है। आज कबीरपंथी अपना पहचान क्या मानते हैं? कंठी पहन लिए कबीरपंथी हो गए, जीवन जैसा भी हो चलेगा। सुबह सुबह जाकर के राम मंदिर में पूजा कर लिए, राम भक्त हो गए। भाई से दुश्मनी चल रही है, भाई से पेशी अदालत चल रहा है, एक एक फीट जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कई सालों हो गए पेशी, लेकिन भाई श्री राम के भक्त है ना, चलेगा। मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहेब ब्राह्मणों के वर्चस्व रहते हुए उन्होंने कहा पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना। यदि तुम जनेऊ पहन करके ब्राह्मण कहते हो अपने आप को, तो मेहरी तुम अपनी पत्नी को तो जनेऊ नहीं पहनाए हो, वो तो जन्म का सुदृढ़ हो गया, जन्म का शूद्र हो गया, उनके पारस किए हुए, उनके जो बनाए हुए भोजन को तुमने कैसे खाया, सदगुरु कबीर साहब का प्रश्न है। इतना तीखे प्रहार करना ब्राह्मणों के नगरी में रह करके, सोचिए सदगुरु कबीर साहब कैसे विरला रहे होंगे। सदगुरु कबीर साहब ने आडंबर और अंधविश्वास चमत्कार को किनारे करने का प्रयास किया, लेकिन जिस समय सदगुरु कबीर साहब रहे उस समय आडंबर चमत्कार कितना रहा तो पता नहीं, लेकिन शायद मैं कहूंगा आज उससे कम नहीं है, आज उससे कम नहीं है। जिस आदमी को कुछ नहीं आता, एक मंदिर खोल करके बैठ जाए, उनका पेट रोजी चलेगा, उनका बिजनेस चलेगा। आप ही के गांव में जितने हॉस्पिटल नहीं होंगे और जितने स्कूल नहीं होंगे, उससे कहीं ज़्यादा मंदिर होगा। आप देख लीजिएगा, पूरी गणना कर लीजिएगा, हर गांव की स्थिति है। आज आदमी को ये पता नहीं है कहाँ झुकना चाहिए, कहाँ नहीं झुकना चाहिए, कहीं कहाँ मत्था टेकना चाहिए, कहाँ मत्था नहीं टेकना चाहिए, कहाँ दान करना चाहिए, कहाँ नहीं दान करना चाहिए, ये सारे चीज़ पता नहीं। आदमी अंधविश्वास और चमत्कार में दौड़ता चला जा रहा है और अपना एक एक पाई जोड़ जोड़ करके मंदिर में जा करके चढ़ाता है या किसी पुजारी के पेट भरण का काम करता है। आपको कई उदाहरण बता दूंगा मैं और कह चुका हूँ। आज से करीब 1.5 साल पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में एक पुजारी के यहाँ रेड पड़ी थी, तो उनके यहाँ से 35 करोड़ सोना निकला था और 36 करोड़ रुपया कैश निकला था। हम किसको चढ़ा रहे हैं? आज से 6 महीने पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के यहाँ उनकी 2 बेटियों की शादी हुई, तो उन्होंने 125 किलो सोना लिया था। आप कहाँ पूजा करते हैं? अंधविश्वास और चमत्कार सदगुरु कबीर मंच में ही
खुला जवाब दिया जा सकता है। बाकी लोग तो डरते हैं, कहीं ऐसे बोल देते कि आज सबसे ज़्यादा होड़ मचा है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। और आज से एक महीना पहले एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल वाला को एक व्यक्ति ने श्रद्धा और भक्ति से नारियल फेंका तो उनके सिर पे चोट लग गया, एक जगह कार्यक्रम कैंसिल करके वो हॉस्पिटल में थे। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल उनको काम नहीं आया है। क्यों आप दौड़ते हैं, क्यों भोलेनाथ में पानी चढ़ाने के चक्कर में अपना समय और शक्ति बर्बाद करते हैं? आपकी श्रद्धा है, करिए, मैं इसको रोक टोक ज़्यादा नहीं करता, लेकिन ये कहना कि एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल एकदम झूठ है। मैं क्षमा चाहता हूँ इस कटु सत्य के लिए। किसी की श्रद्धा है और कोई ले जाकर के पानी चढ़ा रहा है, उनकी श्रद्धा को नमन है, वो करे, लेकिन पूर्णतः मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, क्या आप सच में भगवान के प्रति श्रद्धा करते हैं? वो जरूर उत्तर देंगे, हाँ मैं भगवान से श्रद्धा, भगवान के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा है और भक्ति है। मैं उनको कह सकता हूँ आप झूठ बोलते हैं। वो कह सकते हैं आप कैसे कह दिए? वो कहेंगे मैं रोज भगवान के पास जा कर के पानी चढ़ाता हूँ, रोज भगवान की पूजा करता हूँ और सप्ताह में एक दिन भगवान के लिए उपवास रहता हूँ। क्या मैं उनको एक प्रश्न फिर से करना चाहूँगा, आपके जन्म देने में उस भगवान का कितना हाथ है? आपके लालन पालन करने में उस भगवान का कितना हाथ है? आपको बड़े करने में बचपना से लेकर के 25 साल तक आप बेहुदा जिंदगी जीते, उसको सवारने में क्या उस भगवान का हाथ है? आपको माँ का स्तनपान कराने में क्या उस भगवान का हाथ है? आपका इंजीनियरिंग प्रोफेशन करते हैं, IPS IAS अफसर बनते हैं, क्या उसमें भगवान का हाथ है? आप इसका उत्तर आप ही देंगे, क्या उस भगवान को हाथ है? आप कौन से भगवान को मार रहे हैं? ये कबीर विचार में ही बोला जा सकता है, क्या उस भगवान का हाथ है? इतना सब कुछ करने में उस भगवान का कोई हाथ है? आपकी श्रद्धा है, आप लोटा में ले जाकर के पानी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आपका नियम बना है, मैं उसको रोकता नहीं हूं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको जरूरत है, उस भोले में पानी मत चढ़ाइए, चढ़ाइए आपकी श्रद्धा, लेकिन जरूर अपने भोले में पानी चढ़ाया करिए। आपका भोले आपके पति है, आपके भोले आपके पति है, आपके पति के सामने चरणों तक लीजिए, आपके पति का सिर मत्था टेकिए, उनके सामने जाकर के उनकी आरती उतारिए, कभी नहीं होता है जीवन में। और सबसे बड़े भगवान हमारे वेद में चार देवता माने जाते हैं, माता देव, मातृदेव, पितृदेव, अतिथि देव, आचार्य देव। माता पिता देवता है, अतिथि देवता है, आचार्य देवता है। क्या इसकी आपके घर में चर्चाएं होती है? आप सभी लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि माता पिता की कितने लोग आरती उतारे होंगे? तो यहाँ खड़े करना होगा हाथ, ना तो कोई दो चार खड़ा हो जाए तो हो जाए, ना किसी का हाथ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि माता पिता को भगवान मानते ही कहाँ है, माता पिता को तो भगवान माना ही नहीं जाता है। यदि इंसान को भगवान माना जाए तो लड़ाई किसके साथ में करा जाएगा? अगर इंसान को भगवान माना जाए तो छल कपट किसके साथ में किया जाएगा? यदि इंसान को भगवान माना जाए तो जीवन में आनंद कहाँ आएगा? भगवान तो उनको माना जाता है जो बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, डोलता नहीं, उसको भगवान माना जाता है। माता पिता को भगवान नहीं माना जाता है। आप भगवान को मानने वाले नहीं हो सकते हैं। आप या तो मूर्ति के पुजारी हो सकते हैं, या कटु शब्द में कहा जाए तो एक पत्थर की पुजारी हो सकते हैं, भगवान की पुजारी नहीं हो सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ, ये कटु शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी आपने भगवान की पूजा नहीं किया, सिर्फ मूर्ति की पूजा किया है, चित्र की पूजा किया है, या एक पत्थर की पूजा किया है। अब कभी आपने रीजनल भगवान, जो प्राकृतिक भगवान है, जो जिसमें रीजनलिटी है, जिसमें पर्सनालिटी, उसकी खुद की पर्सनालिटी है, उस भगवान के सामने आपने आरती जला करके प्रज्वलित करके एक आरती नहीं उतारा है, उनके सामने उनका पैर कभी धो करके नहीं पिया है, उनके सामने कभी मत्था नहीं टेका है श्रद्धा और भक्ति से। बस गांव से आते हैं तो मत्था टेक लेना, वो तो एक सिस्टम है, गांव से आए मत्था टेक लिए। इसलिए कबीर विचारों में सारी चीज कहा जा सकता है। और हर माँ बाप की एक शिकायत होती है कि हमारे बच्चा हमारा कहा नहीं मानते। आपने सारी चीज सिखलाया ही कब है? कब सिखाए कि माता पिता के सामने चरणों में मत्था टेकना चाहिए?
और कबीर पंथ, कबीर विचारों को जानने के बाद में मन से सारी चीज उतर जाना चाहिए। सदगुरु कबीर ही एक ऐसे तमाम भ्रांतियों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे भारत एक ऐसा देश है जहां, जिस देश में कोने कोने पर भगवान बिठाया जाता है, जिस देश में नदी को, नालों को, पहाड़ों को, तीर्थों को भगवान माना जाता है, उस जगह में इतना अपवित्रता होती है, इतनी अपवित्रता की कहा नहीं जा सकता। जिस देश में थाईलैंड, इजराइल, जहां यहां भी चले जाइए, जहां भी आपका मन हो, यूएस चले जाइए, दुबई चले जाइए, ईरान चले जाइए, कहीं भी जहां भगवान नहीं माना जाता, किसको भगवान नहीं माना जाता, नदी को, नाला को, तीर्थ स्थलों को, पर्यटक स्थलों को भगवान नहीं माना जाता, वहां पूरा पूरा साफ दिखाई देता है नदी नाला। और हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां नदी नाला को भगवान माना जाता है, वहीं आदमी गंदगी करते हैं, कौन सा भगवान मानते हैं। सदगुरु कबीर के विचारों को सुनने के बाद भी यदि दिमाग में बातें नहीं बसी तो कौन सा सिख सीखते हैं आप। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे संत ने कहा सदगुरु कबीर साहब की एक साखी उन्होंने, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पीछे पीछे हरि पिए कहत कबीर कबीर। एक साखी यदि जीवन में उतार लेना तो आपका घर घर बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा, और घर के सारे सदस्य देवी देवता नजर आएंगे। सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति, जाको मन निर्मल भया, मन निर्मल हो गया। उदाहरण देते हैं सत्य, लोग कहते हैं कबीरपंथी कुछ नहीं मानते, मैं आपको बताना चाहूंगा कबीरपंथी मानते हैं और सदगुरु कबीर साहब भी मानते हैं। जिस समय सदगुरु कबीर साहब आज से 625 वर्ष हुए, उस समय सदगुरु कबीर साहब गंगा नदी का उदाहरण देते हैं, निर्मल भया जैसे गंगा नीर, निर्मल मन कैसे निर्मल हो जाना चाहिए, जैसे गंगा नीर, जैसे पानी का, जैसे गंगा का नदी पानी पवित्र है, साफ है, निर्मल है, वैसे आपका मन निर्मल हो गया, फिर आपको किसी आत्मा और किसी परमात्मा के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, किसी देवी और देवता, किसी भगवान और खुदा, किसी गार्ड के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, फिर आपके पीछे परमात्मा आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कितना सटीक उदाहरण देते हैं। अब मन निर्मल कैसे होना चाहिए, जिसका मन निर्मल होगा वो माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, देरान के साथ, जिठान के साथ, पड़ोसी के साथ, बच्चे के साथ छल कपट नहीं करेगा। आप लोग कितना छल कपट करते हैं अपने बच्चे के साथ, आप अपने माँ बाप के साथ कितना वैर करते हैं, आप अपने भाई के साथ कितना वैर करते हैं, पर भी हम धार्मिक बने हैं, धार्मिक लेबल लगा हुआ है, लेकिन लड़ाई और झगड़ा कम नहीं होता, राग और द्वेष कम नहीं होता धार्मिक। इसलिए मैंने पहले ही शुरू बात करने से पहले ही कह दिया, टाइटल लगाना अलग बात है लेकिन जीवन में आचरण करना अलग बात है। हम सिर्फ टाइटल लगाते हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कर्मकांड मन से नहीं हटता है, आदमी जादू टोना, भभूत, तंत्र मंत्र, इसी चक्कर में अपने समय को बर्बाद करते हैं। आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इंसान भगवान है, यहां से जाना तो इतना ही सीख करके जाइए तो आप कम से कम माँ बाप की आरती करना तो सीख जाइए। सच में कहूंगा कि एक सत्संग करना सार्थक हो जाएगा और आपके घर में एक नए प्रेम का ज्योति जगना, ज्योति जलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर के बच्चों को एक नए संस्कार अर्जित करना शुरू करेंगे आपके बच्चे, और आपके बच्चे आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। आपने ही अपने माँ बाप से दूरी बना करके रखा है, आप ही अपने माँ बाप को किनारे करते चले जा रहे हैं, और बच्चे से कितना प्रेम करेंगे। बस एक मन में लालसा होती है, मैं हर जगह इस चीज को कहता हूं कि आदमी अपने बच्चे को सही बनाना चाहते हैं, बच्चे प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, आपके कहने से क्या होता है। एक आदमी सोचता है मेरा बच्चा प्रोफेसर बन जाए, कम से कम अच्छा पढ़ेगा, पढ़ाएगा, लोगों को कुछ करेगा, फिर सोचता है नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मैं बच्चे को डॉक्टर बना लूं, कम से कम अच्छे से डॉक्टरी करेगा, कुछ पैसा कमाएगा, नहीं इससे अच्छा तो है आईपीएस अफसर बन जाए, फिर सोचता है आईपीएस अफसर बन जाए तो इतना पैसा होगा उनके पास, आईएएस अफसर बन जाए, फिर सोचता है। देखिए आदमी आप क्या सोच रहे हैं,
आप सबके अंदर उड़ान भर रही है, मेरे बच्चे ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए। फिर वो आदमी क्या सोचता है, मेरे बच्चे सब कुछ हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ हो जाए तो सब बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं? आपने तो सब कुछ बनाना चाहा, लेकिन आपके बच्चे क्या चाहते हैं आपने सोचा है? एक बच्चा ने कहा, मैं बनना चाहता था आर्टिस्ट अच्छा से, लेकिन मेरे पिता ने मुझे आईपीएस अफसर बनाने में पूरा रात और दिन लगा दिया, और उनका इतना दबाव था कि मैं आईपीएस अफसर बन गया। लेकिन आईपीएस अफसर बन गया, मैं सक्सेसफुल जीवन जी रहा हूँ, लेकिन सक्सेसफुल होते ही भी मैं विभिन्न होकर के जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि जब जब मैं आईएएस अफसर बना हूँ, जैसे ही ऑफिस में जाता हूँ, मेरा सिर दर्द बढ़ जाता है, मेरा टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे सामने वो प्रेम ही नहीं वो काम करने में, क्योंकि मैंने पिता के दबाव पे आकर के काम किया है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चे पर कभी दबाव मत डालना, कभी मत कहना तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, आईपीएस अफसर बन जाओ, आईएएस अफसर बन जाओ। ये दबाव कभी अपने बच्चे के अंदर मत डालना। वो बच्चे जो बनना चाहे उनसे पूछ लो क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के दबाव पर आकर के मैं आईएएस अफसर बन गया, लेकिन मैं इतना दुखी हूँ क्या बताऊँ। मेरे पिताजी कहते थे तुम नहीं बनोगे आईएएस अफसर तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, बार बार कहते थे। उनके दबाव पर आकर के मैं आईएएस अफसर बन गया, और आज मैं सक्सेसफुल जीवन जी रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ दुखी होकर के जीवन जीता हूँ। हर रोज़ मेरे आत्महत्याएं में हर रोज़ हत्याएं हो रही है मेरी। एक दिन पिता का फिर से फोन आता है, पिता कहता है बेटा मैं सोचता हूँ तुम्हारी शादी करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ लिया हूँ, उससे शादी कर लेना। बच्चा बोलता है पापा मैंने पहले से एक लड़की से मेरी बात हो चुकी है, मैं उनसे कह चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उनका पिता क्या बोलता है, बेटा इनसे शादी कर लो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बच्चा कहता है महाराज जी जब पिता ने कहा कि फिर इससे शादी कर लो, मैं उनको हाँ बोल दिया हूँ नहीं तो आत्महत्या कर लूँगा, तो बच्चा बोलता है महाराज जी मैं बोलते बोलते रुक गया, मैं 15 साल से रोज मेरी आज आत्महत्या हो रही, पापा तुम आज एक बार आत्महत्या कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलने वाला था लेकिन बोलते बोलते रुक गया। कहीं आपके बच्चे आपसे ऐसे नफरत ना करना शुरू कर दे, आपके बच्चे आपसे नफरत ना करना शुरू कर दे। आप जिन रास्ते पर चलते हैं, आप जिन मार्ग को पकड़े हैं, जिस कर्मकांड और पाखंड को पकड़े हैं, बच्चे आपसे देख करके पापा क्या करते हो, रोज घंटी हिलाते हो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, गाली गलौज तो देते ही हो, दारू का बोतल कम ही नहीं हो रहा है, अंडा मांस मछली खा ही रहे हो, कौन सा घंटी हिला रहे हो? ये घंटी हिलाने से जीवन में नहीं बदला। रोज कबीर वाणी का पाठ कर रहे हो, रोज राधा स्वामी का सत्संग सुन रहे हो, रोज गायत्री का पाठ चर्चा कर रहे हो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। आपके बच्चे कहीं आपसे नफरत करना शुरू न कर दें, आपके बच्चे कहीं आपसे दूरी बढ़ाना ना शुरू कर दें। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं, इतना प्रभावशाली बनाएं कि आपके बच्चे आपके चरणों में झुकने के लिए तैयार हो, आपके बच्चे आपको देखते ही श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हो जाए और आपके सामने आकर के मत्था टेके, आपके चरणों में लिपट जाए, आपसे गले लग जाए, आपके बच्चे आपसे प्रेम करें। आज की पीढ़ी को यही संस्कार की जरूरत है, इसलिए मैं बच्चों के संस्कार पर बार बार प्रेरित करता हूँ। अंधविश्वास और चमत्कार में अपने जीवन को मत खोपिए, आप जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आदमी एक पाई पैसा कमाता है और मंदिर में ले जाकर के यज्ञ करता है, हवन करता है, तर्पण करता है। आदमी पैसा कमाता है और बलि चढ़ाता है, आज कोई देवी देवता बलि नहीं मांगता है। क्या कर्मकांड नहीं है? क्या पाखंड नहीं है? आदमी अपने मुख के लालसा के कारण आदमी निरीह जानवरों को मार रहा है, ना जाने हमारे भारत देश में एक दिन में कितने हजारे गाय कट जाती है। क्या यही भारत एक ऐसा देश है, धर्म प्रधान देश? यही भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जहां ना जाने कितनी लाशें गिरती है, कितना बलात्कार होता है, कितना खून खून होता है। ना जाने यही एक भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जहां बड़े बड़े धर्म अधिकारी लोग, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े
जो प्रवक्ता लोग हैं आदमियों का शोषण कर रहे हैं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप इन शोषण के चक्कर में कभी मत पड़ना। मैं बार बार इन चीज़ों को दोहराता हूँ कि आप अंधविश्वास और चमत्कार आडंबर में पढ़ करके अपने जीवन को मत थोप देना। आप एक स्वतंत्र चेतना है, आज आपको अवसर मिला है, आज अपने बच्चों से माँ बाप से प्यार करके सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आज भी आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। आप आज भी अपने बच्चे से आपको प्यार नहीं है, आपको कटु वचन बोलने से जितना प्यार होगा उतना आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है। आपको अपने आदत से जितना प्यार है उतना आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है। आपको अपने कहना चाहिए जो गलत बुरी आदतों पे जिससे चल रहे हैं उससे माता पिता हैरान है, बच्चे हैरान है, क्योंकि आप माँ बाप से और बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। आज आपका स्वस्थ शरीर है, आज आप आनंद और बासाहत के जीवन जी सकते हैं, आज आपका स्वस्थ शरीर है, माँ बाप से प्यार कर सकते हैं, माँ बाप के चरणों में मत्था टेक सकते हैं, माँ बाप को सम्मान कर सकते हैं। उनको पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है, बेचारे माँ बाप के लिए तरसते हैं। उनको पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है, माँ बाप के उनके उनके सर से छाया हट गया है, वो माँ बाप के लिए तरसते हैं, बिलखते हैं, और जिनके माँ बाप है वो माँ बाप को परेशान करते हैं। उनसे पूछिए जिनके बच्चे नहीं, वो बच्चे मेरे कोख में बच्चे आ जाए, ना जाने कितने डॉक्टरी इलाज करते हैं, जादू टोना दंतर मंत्र दुआ पंडितों के पास जाते हैं, झाड़ा फूक कराते हैं, ना जाने कितनी मेहनत करते हैं, और आपके बच्चे होने पर भी आप जीवन को सुंदर नहीं बना पा रहे हैं। आपके रहने के लिए सुंदर मकान है, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था है, पहनने के लिए कपड़ा है, घर में बच्चे हैं, पर भी आपके घर में महाभारत युद्ध चल रहा है, पर भी बच्चे इस दुनिया के चकाचौंध में दौड़ते चले जा रहे हैं। एक निवेदन और करना चाहूँगा, आज की आबू हवा आपने ऐसा बनाया है, आपके घर को माहौल को ऐसे बनाए हैं, आज जितना आदमी को शराब की लत होती थी ना, उससे कहीं ज़्यादा आज आदमी को हो गया है मोबाइल की लत। शराब की लत तो सुने रहे हैं, लेकिन मोबाइल की लत ऐसा लत हो गया है। अभी 2 महीना पहले एक मोबाइल में मैंने देखा, एक आदमी मोबाइल रोज देखता था। वो बच्चे को कहा तुम मोबाइल मत देखो, उनके माता पिता मोबाइल नहीं दिए, बच्चे सोया तो सोया रह गया। करीब करीब आज कम से कम 6 महीना हो गए, वो बच्चे कोमा में है, अभी उठा नहीं है। हकीकत घटना ही है, मोबाइल की लत। 6 महीना से वो बच्चा कोमा में है, बच्चा कोमा से नहीं उठा है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, बच्चे को लत मत सिखाइए, बच्चे को चीज़ें मत सिखाइए जिससे बच्चे का जीवन तबाह हो जाए। बच्चे को वो पाठ सिखलाइए जिससे आने वाली परंपरा, आने वाली पीढ़ी उन चीज़ों को सीख पाए। इसलिए सद्गुरु कबीर विचारों का महत्वपूर्ण है कि सद्गुरु कबीर के विचारों में भ्रांतियां नहीं है, सद्गुरु कबीर के विचारों में कर्मकांड नहीं है, सद्गुरु कबीर के विचारों में पाखंड नहीं है। आज इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बहुत ही प्रासंगिक हो गए हैं। आज हर व्यक्ति कबीर को स्वीकार रहे हैं, कबीर को हर व्यक्ति ने स्वीकारा है, क्योंकि कबीर किसी को काटने का प्रयास नहीं किया, कबीर ने सबको लेकर के चला है। सद्गुरु कबीर में वो ताकत था कि सबको स्वीकार किया, सबको जीने का राह बताया और सबको सही दिशा की ओर ले चले गए। लेकिन आज के जो नेता हैं, आज के जो प्रवक्ता है, आज के जो विचारक है, आदमी को गलत दिशा में ले जा रहा है, कर्मकांड और पाखंड में ले जा करके आदमी को फंसाते चले जा रहे हैं। आपसे निवेदन पुनः करना चाहूँगा, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने बच्चों को सही दिशा की ओर ले जाइए। और मैंने एक निवेदन खास किया कि आप अपने बच्चे को सही पाठ सिखलाइए, मोबाइल से बचा करके रखिए, और अपने बच्चे को कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे पहनना है, ये चीज़ सिखाइए। आज के माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ने में लगे हैं, कहेंगे कैसे बोल रहे हैं। आज के माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ने में लगे हैं। एक जमाना था जब आदमी के पास पैसा नहीं होता था तो गरीबी के वजह से कपड़ा नहीं पहन सकते थे, छोटे छोटे मैले कुचेले कपड़ों पर रहते थे, एक जमाना था। लेकिन आज एक ऐसा जमाना आया है कि पैसा होने के वजह से आदमी छोटे कपड़े पहन रहे हैं, पैसा नहीं है इसलिए नहीं, पैसा है इसलिए छोटे कपड़े पहन रहे हैं। जिन कपड़ों को आप 150 रुपये में लेते हैं, वो कपड़ा सुंदर सा कपड़ा आपका शरीर पूरा ढक जाएगा,
उन कपड़ों को आप नहीं लेंगे, उन कपड़ों को लेंगे जो 1,500 रुपये मिलेगा, जिससे आपका शरीर भी नहीं ढकेगा। आज के हर माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, चलना शुरू हुआ, जींस ट्राउजर पहना दिए, छोटे छोटे कपड़ा पहना दिए, क्यों आप इतना नरक में ले जा रहे हैं बच्चे को? और कहते हैं बच्चे संस्कारवान नहीं है। आपने सिखाया ही कब है कि बच्चे संस्कारवान होगा? आपने कब सिखाया है संस्कार की परिभाषा? मैं हर जगह कहता हूं इस चीजों को, फिर से कह दूं जब बात आती है तो, कि आपने बच्चों को सही दिशा की ओर ले ही नहीं गए। आप बच्चे को इंजीनियर बनाना सिखाते हैं, मास्टर बनाना सिखाते हैं, वकील बनाना सिखाते हैं, धन कैसे कमाना है सिखाते हैं, नौकरी कैसे करना है सिखाते हैं, मोबाइल कैसे चलाना है सिखाते हैं, मकान कैसे बनाना है सिखाते हैं। क्या बच्चों को सिखाए हैं आपने जीवन को कैसे जीना चाहिए? आपने कभी नहीं सिखाया है। क्या आपने सिखाया बच्चों को जीवन को कैसे जीना चाहिए? माँ बाप का सम्मान कैसे करना चाहिए? अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए? घर में परिवार में कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए? ये चीज सिखाया ही नहीं है। बल्कि पूरे परिवार के साथ में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और ना जाने कितने पुराने तेल से उबाल करके आपके पास सामने पकौड़ी लाते हैं, ना जाने कितना ही यूज हुआ तेल है, उन तेल को आप खाते हैं, उससे सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में कैंसर हो रहा है। आप जानिए इस चीज़ को। मैं सिर्फ अध्यात्म की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, आपको जीवन की भी परिभाषा पढ़ लेना चाहिए। आज हमारे भारत देश में जितना बोतल वाले तेल खरीद रहे हैं ना, रिफाइंड तेल, जितने भी रिफाइंड तेल खरीद रहे हैं, वो तेल से सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँ, तेल कम खाइए, लेकिन तेल भी खाइए तो आप शुद्ध सरसों तेल का उपयोग करिए, शुद्ध सरसों तेल का प्रयोग करिए। हमारे भारत देश में हर साल न जाने सबसे ज़्यादा केस आ रहा है तो रिफाइंड तेल से कैंसर होता चला जा रहा है। आप इन जहर को मत खाइए, कम से कम उपयोग करिए। आप कहेंगे साहब जी आप ही लोग भी तो खाते हैं, आप लोग देते हैं इसलिए वही चीज़ खाते हैं, फेंक भी नहीं सकते हैं, मजबूरियाँ भी है हमारे पास। आप लोग सरसों का टिपा टिपा तेल ला करके रख देंगे तो वही खाएंगे, आप लोग तो रिफाइंड तेल ही ला करके रख देते हैं, लो साहब खाओ, ज़्यादा दिन जी करके क्या करोगे, ठीक है भैया वही खाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप अच्छी चीज़ों को खाइए, बच्चों को सही कपड़े पहनाइए। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, बच्चों को उलुल जुलुल कपड़े मत पहनाइए, सभ्यता की परिभाषा सिखलाइए। आज के बच्चे असभ्य होते चले जा रहे हैं, और जीवन का निर्माण करिए आप। अंतिम में जीवन का उद्देश्य है अत्यंतिक सुख की प्राप्ति, उसके लिए आप समय दीजिए। अत्यंतिक सुख, वह सुख अध्यात्म की अंतिम निचोड़ है ये। अत्यंतिक सुख उसको कहा जाता है, वह सुख जो कभी नहीं छूटने वाला है, उस सुख के पीछे आप समय दीजिए। अत्यंतिक का मतलब होता है जो कभी नहीं छूटने वाला है। क्या उस सुख के लिए आप समय देते हैं? क्या उसके लिए आप समय निकालते हैं? कभी बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा होती है, कभी बैठ करके ज्ञान चर्चाएं होती है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं आप सभी से कम आप जिस मत से, जिस पंथ से, जिस संप्रदाय से, जिस गुरु से जुड़े हैं, उनको कम से कम साल में एक बार दो बार अपने घर में बुलाइए और छोटा मोटा आयोजन करिए। जिससे आप जुड़े हैं, जिन समाज से जुड़े हैं, चाहे गायत्री से जुड़े हों, चाहे राधा स्वामी से जुड़े हों, जिनसे भी आप जुड़े हों, उनको बुलाइए और कुछ छोटा मोटा आयोजन करिए। और यहाँ बैठे सभी आत्मीय बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि कबीर विचार को सुनने के बाद में आपके जीवन से भ्रांति खत्म हो जाना चाहिए, साथ साथ अंडा मांस मछली बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ये सारे चीज़ उड़ जाना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, वही विचारों की जरूरत पड़ती है बार बार, कि विचार शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते, बल्कि शराब पीने वाले माँ बाप की जो उड़ान, माँ बाप की जो मन की चेहरा है, जो मन की मुस्कान, मन की प्रसन्नता है और चेहरे की मुस्कान है, वो भी पी जाते हैं। और जो बच्चे की उड़ान भरने की क्षमता होती है, मैं कुछ बनूँ, कुछ करूँ, IPS अफसर बनूँ, IAS अफसर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, मास्टर बनूँ, वो भी आप जब जब शराब पी करके आते हैं, आपके बच्चे तब तब उनकी उड़ान भरने की क्षमता होती है, वो मिट्टी पलीद हो जाता है, तब तब मिट्टी पलीद हो जाता है। आत्मीय बंधुओं, आपके बच्चे आपका सम्मान करें। आप ऐसे शब्द को चुन करके बोलना कि आपके बच्चे उन शब्दों को काट ना पाए। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे बोलना, ऐसे चलना कि आपके बच्चे आपका सम्मान कर सके, ये बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ।
आपके बोलने में छिछलापन नहीं होना चाहिए, आपके वाणी में कटुता नहीं होना चाहिए। आप बोलो तो मीठा बोलो, मधुर बोलो, आपके बोली में सुगर घुला होना चाहिए। आप प्रीकर बोलो, हितकर बोलो। कई लोग जीवन को जीते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल हो जाता है, बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उस समय पकड़ करके जकड़ करके बैठे रहते हैं और ऐसे ऐसे कटु शब्द निकलते हैं कि लोग उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनके ही बच्चे उनसे प्रेम नहीं करते, उनके ही नाती पोते उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे दूर भागते चले जाते हैं, उनके ही बच्चे उनसे दूर भागते चले जाते हैं। अपने बच्चे, आपके बच्चे आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। आत्मीय बंधुओं, आपके बच्चे आपसे नफरत ना करें। आज हर घर में बगावत खड़ा होता चला जा रहा है, आज घर नहीं बटता है, परिवार नहीं बटता, आज घर और परिवार, मकान दुकान ही नहीं बढ़ते हैं बल्कि परिवार भी बट करके विखंडित हो जाता है। आज परिवार के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, संपत्ति बस को नहीं बांटा जाता है, प्रेम और प्यार को भी बांट लिया जाता है, माँ बाप से नफरत का बीज बो दिया जाता है, जीवन नरक बन जाता है, जीवन नरक बन जाता है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सुंदर जीवन का निर्माण करिए। समय मुझे दिया गया था, उस आधार पर मैंने सद्गुरु कबीर के विचारों को आप लोगों के बीच कुछ कहने का प्रयास किया। आज अवसर मिला है, पुनः निवेदन करना चाहूँगा, आज अवसर मिला है, आज सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आज अवसर मिला है, माँ बाप से प्रेम कर लीजिए। आज माँ बाप को बुढ़ापे की अवस्था में सिर्फ बच्चे का प्यार चाहिए, बच्चे का सम्मान चाहिए। माँ बाप बुढ़ापे की अवस्था में अपने बच्चे से धन नहीं चाहता है, मकान और दुकान नहीं चाहता, पैसा नहीं चाहता है, बस माँ बाप अपने बच्चे से प्यार चाहता है। आप कितना सम्मान करते हैं माँ बाप को? जब जब आप माँ बाप को प्यार भरे शब्दों से बोलते हैं, जब जब आप माँ बाप के सामने मत्था टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो उनका चौड़ा सीना हो जाता है। आज भी मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए आत्मीय बंधुओं, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए तो गर्व से कह सके कि माँ बाप ने मुझे ऐसा जीना सिखाया है, माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार दिया है। मैं आज माँ बाप से ना जाने कितने हजारों कोसों दूर हूँ, पर भी मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार मुझे बार बार झुकता है, बार बार मैं उनके चरणों में मत्था टेकता हूँ, बार बार उनके संस्कारों को नमन करता हूँ, मुझे बार बार उनके बातें यादें आती है। मैं कुपथ मार्ग पर नहीं चलता हूँ, सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। मैं बार बार उन माँ बाप को वंदन करता हूँ। आपके बच्चे ये चीज कह सके, आपके बच्चे ये चीज गर्व कर सके कि आपके बच्चे, मेरे बाप, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार दिया है, तो समझता हूँ मैं इतना विचार सुनने के बाद जो गुटखा खाते होंगे वो गुटखा छोड़ देंगे, शराब पीने वाले शराब छोड़ देंगे, और माँ बाप से नफरत करने वाले माँ बाप से प्रेम करना शुरू कर देंगे। और जो बच्चे को सिर्फ कहते हैं अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा से पढ़ाई ही नहीं चाहिए भैया, बच्चे को प्यार चाहिए। पढ़ाई से डिग्रियां मिल सकती है, पढ़ाई से सक्सेसफुल आदमी बन सकता है, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन सकता पढ़ाई बस से। आपका प्रेम चाहिए, आपका सम्मान चाहिए, आपका सही मार्गदर्शन चाहिए बच्चे को। सिर्फ पढ़ने के लिए आप पैसा कमाने का फैक्ट्री मत बनाइएगा बच्चों को, बच्चे को सही दिशा चाहिए, सही प्रेम चाहिए, सही सम्मान चाहिए, तो आपके बच्चे निश्चित ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सभी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने मेरी बातें को बड़े ध्यान से सुना, और आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा ही आयोजन छोटा मोटा जो बन सकता है, मेहनत तो काफ़ी लगती है, काफ़ी मेहनत और मशक्कत करना पड़ता है। जो आयोजन करते हैं वही जानते हैं, क्योंकि आयोजन हम भी करते हैं, हमारे आश्रम में भी आयोजन होता है। जब आयोजन होता है तो कम से कम 3 दिन 5 दिन तक तो खाना पीना और आसन बिस्तर नहीं दिखता है। हाँ, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके जैसे आपके ही घर में जब एक शादी का आयोजन करते हैं कितना मशक्कत होती है,
पूरा खून पसीना एक कर देते हैं, वैसे ही आयोजकों को मेहनत करना पड़ता है। पैसा आप लोग सहयोग कर देते हैं, लेकिन जो मुख्य आयोजक होते हैं उन लोग को भी बहुत मेहनत है और आप लोगों को मेहनत है। आप लोग नहीं आते इस जगह में सत्संग के आयोजन कर देते, आप लोग सिर्फ सहयोग राशि दे देते और कोई यहाँ आकर के नहीं बैठते तो मैं समझता हूँ सारा आयोजन बेकार चला जाता। इतना अच्छा आयोजन, और प्रकृति को भी बहुत धन्यवाद है, तेज गर्मी नहीं है, थोड़ा बदल है, आप लोगों को सहयोग कर रहा है प्रकृति भी। आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद देती हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। और एक विशेष निवेदन, कबीर आश्रम सकरी में 1 तारीख को कबीर जयंती का आयोजन रखा गया है। कबीर जयंती पूर्णिमा तो 22 तारीख को है, लेकिन 22 तारीख को ही हमारे कबीर पंथ में जितने जगह आश्रम है और जितने जगह है एक जगह एक साथ आयोजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारे कबीर आश्रम सकरी में 1 तारीख को यह आयोजन रखा गया है। सुबह 8 बजे से लेकर के कार्यक्रम की तैयारी होगी, 8 से 9 बजे जुलूस यात्रा निकल जाएगा, पूरे गांव में एक शोभा यात्रा निकलेगा। उसके बाद में शोभा यात्रा से आने के बाद में लगभग 11 बजे से कबीर विचार गोष्ठी, कबीर विचारों हमारे आश्रम में संत लोग आएंगे। करीब करीब 30 से 40 संतों का आगमन होता है हर साल और काफ़ी एक जन सैलाब होता है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करके, हो सकता है सबके पास हम व्हाट्सएप के माध्यम से ना भेज सकते, इसलिए हम यहाँ पर सभी को कहने का प्रयास किया है, निवेदन है, आप सभी आइए, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।